आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ एक और स्तंभ दो हमें दिए गए हैं। ए पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है LSD। तो देखिए LSD का जो पूरा नाम होता है ये होता है लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ठीक है, क्या होता है लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। अब देखिए ये जो LSD होता है ये क्या करता है, ये एक प्रकार से मन में जो है वो विभ्रम पैदा करता है। ठीक है, विभ्रम पैदा करता है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके मन में जो है वो अलग सा विभ्रम पैदा हो जाएगा। जो चीजें होंगी भी नहीं उसको लगेगा कि नहीं ये बात हो रही है। ठीक है, उसके मन में जो है वो विभ्रम पैदा कर देता है ये जो LSD है। ठीक है, इसकी वजह से इसको जो है वो क्या बोलते हैं, इसको हेलुसिनोजन भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं बी पार्ट में बोला गया है निकोटीन। निकोटीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी कि हृदय से संबंधित है। ठीक है, जो हृदय संस्थान है पूरा का पूरा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर जो है ये काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हृदय दर को बढ़ाता है। हृदय दर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ाएगा, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है, जो BP होता है, यानी कि जो रक्तचाप होता है उसको भी बढ़ाता है, यानी ये जो रक्तचाप है उसको भी उच्च कर देता है, उच्च रक्तचाप कर देता है। ठीक है, निकोटीन किसके ऊपर काम करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करता है जो कि हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निकोटीन। आगे देखिए सी पार्ट में हमें बोला गया मॉर्फिन। अगर हम मॉर्फिन की बात करें, ठीक है, तो मॉर्फिन का एक मुख्य जो काम है वो क्या है कि ये जो है एक सिडेटिव है, यानी कि शामक औषध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है वो पेन किलर के तौर पे, यानी कि दर्द निवारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति की जो है वो क्या हुई है, शल्य क्रिया अगर हुई है, ठीक है, किसी व्यक्ति की यदि शल्य क्रिया हुई है यानी कि सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद क्या होगा, उसको तीव्र वेदना होती है। ठीक है, तो वहां पे पेन किलर के तौर पे ये जो मॉर्फिन है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमें डी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। डी पार्ट में बोला है कोकीन। देखिए ये जो कोकीन होती है, ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क के ऊपर हमारा जो CNS होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो CNS होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हम यानी कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है ये काम करता है। ठीक है, और ये एक प्रकार के स्टिमुलेंट है, यानी कि ये उत्तेजक है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को क्या कर देती है, उत्तेजक, हमारे मस्तिष्क को उत्तेजक कर देती है, क्योंकि हमारे CNS के ऊपर काम करेगी। ठीक है, और उत्तेजक की तरह इसका काम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सही मिलान क्या होगा। देखिए जो LSD है, अभी हमने बात की, ये क्या करता है, ये विभ्रम पैदा करता है, तो A के साथ आ जाएगा चौथा निकोटीन। निकोटीन क्या करता है, उच्च रक्त दाब करता है, तो B के साथ आ जाएगा दूसरा। C जो मॉर्फिन है ये क्या है, शामक है एवं दर्द निवारक है। शामक यानी कि सिडेटिव है, ठीक है, दर्द निवारक यानी कि पेन किलर है। कोकीन क्या करता है, CNS को, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। ठीक है, उत्तेजित करता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है ये काम करता है। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो हमारे पास में ए है, ए का देखिए चौथा आ जाएगा, और बी का जो है वो क्या आ जाएगा, दूसरा निकोटीन उच्च रक्तदाब दूसरा, और सी का जो है वो तीसरा आ जाएगा, मॉर्फिन शामक एवं दर्द निवारक। ठीक है, और डी का जो है वो पहला आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।